आज का सवाल है कि कैन आई वेयर रुद्राक्ष व्हाइल गोइंग टू टॉयलेट। यह सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्या टॉयलेट में जाते समय, जब आप यूरिनल में जा रहे हैं या आप रेस्ट में जा रहे हैं, तो क्या रुद्राक्ष आप पहन के जा सकते हैं? देखिए, व्यवहारिक रूप से देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, आप मॉल में गए हुए हैं, आप किसी घर में गए हुए हैं और ऑफिस में आप काम कर रहे हैं रुद्राक्ष पहने हुए, तो क्या बार बार आप रुद्राक्ष को उतार उतार के जाएंगे क्या? ये फिजिबल है? रुद्राक्ष रखेंगे कहां, क्या पकड़ में रखेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो जो सोच है, ये सोच कहां से आ रही है? फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बोलते हैं रिलीजियस में भी हाथ पैर धो के शुद्ध आसन में बैठ के पूजा पाठ करने की बात है। रुद्राक्ष का पूजा पाठ से रिलीजन से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, आप जिस भी धर्म को, जिस संप्रदाय को, जिस गुरु को मानने वाले हैं, रुद्राक्ष का आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसको सो कॉल्ड धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, ये एनर्जी की बातें हैं, ये ग्रहों को शांत करने की बातें हैं, ये शरीर में ऊर्जा पैदा करने की बातें हैं। तो आप रुद्राक्ष को इस ढंग से देखिए कि जैसे आप जैसे कोई टेबलेट खाते हैं, विटामिन की गोली खाते हैं, चवनप्राश खाते हैं, तो थोड़े देखते हैं कि इसको खाने के बाद मैं टॉयलेट नहीं जा सकता हूं या टॉयलेट से आने के बाद मैं नहीं खा सकता, ऐसा बात नहीं है। हाँ, आप अपना हाथ धोएंगे, अपना हाथ को साफ करेंगे, वो तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू चीजें होंगी। तो रुद्राक्ष पहन के टॉयलेट में जाना मना नहीं है, बाथरूम में जाना मना नहीं है, नहाना मना है। क्यों? जो पानी है, वाटर है, इट कैन बी कॉन्टामिनेटेड, हार्ड वाटर हो सकता है, तो हार्ड वाटर से रुद्राक्ष के पॉइंट में लेयर्स बन जाएंगे। आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स हैं, लेयर बन जाएंगे। तो नहाते समय नहीं पहनने के लिए बातें हम करते हैं, लेकिन बाथरूम में जाना, टॉयलेट में जाना, इसके लिए रुद्राक्ष को उतारना बाद ना तो ये प्रैक्टिकल है, ना ही रिकमेंडेड है, ना ही इसकी जरूरत है, इसको इतना समझे आप। तो आप आराम से जाइए, जैसा जिंदगी जीते हैं वैसा कीजिए। हमने और वीडियो में ये भी बताया है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे रुद्राक्ष का भी कोई संबंध नहीं है। इसको आप रिलीजन से ना जोड़े और रुद्राक्ष पहने और उसका पूरा लाभ उठाए। रुद्राक्ष आप के बारे में अगर जानना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियो है, एक मुख से लेकर 17 मुखी तक किस प्रकार से काम करते हैं, सभी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल में है, उसको जरूर देखें। रुद्राक्ष से काम करता है और उसके रूल से उसमें क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो है, इसी चैनल में आप जरूर देखिए। रुद्राक्ष आप खरीदना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। रुद्राक्ष के बारे में और चक्र के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारी और एक वेबसाइट है जो है कि www.astrologyrecommendation.com। उसमें ऑरा चक्र के बारे में, रुद्राक्ष किस प्रकार से काम करता है ऑरा चक्र में, ये सभी का विवरण दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।